हेलो एवरीवन, आज मैं आपको वुमेन ब्लॉक हील्स जो मैंने अमेजोन से परचेज़ करी थी उसका रिव्यू देने जा रही हूँ। इसमें दो कलर्स थे, ऑरेंज एंड ब्राउन। तो मैंने कुछ ब्राउन कलर मंगवाया था एंड इसकी जो हील्स की मेज़रमेंट थी वो कुछ 2.7 समथिंग थी, बट ये प्रॉपर 3 इंच हील्स नहीं थी और ये कुछ इस तरह के बॉक्स में आया था। तो लाइक ये एग्जैक्टली सेम वैसा ही था जैसा उन्होंने हमें इमेज में दिखाया हुआ है। प्रॉपर अच्छे से काफ़ी मुझे क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी और ये हील्स भी काफ़ी अच्छी लगी कि बिकॉज ये सपोर्टिव हील्स हैं, बैलेंस्ड हील रहेगी, इसमें गिरने का डर भी नहीं है। तो मुझे ये हील्स काफ़ी अच्छी लगी, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब मैं आपको ग्रीन ईयरिंग्स का रिव्यू और गोल्ड ब्रेसलेट का रिव्यू देने जा रही हूँ जो मैंने अमेजोन से ही परचेज करे थे। तो ये कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आए थे, तो लाइक मुझे इनकी पैकेजिंग काफ़ी सही लगी बिकॉज इसके अंदर एक बॉक्सेस हैं, अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। बट बॉक्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, जस्ट वो कार्डबोर्ड बॉक्स थे। तो ये दो बॉक्सेस आए थे इसके अंदर, छोटे बॉक्स में इयररिंग्स थे एंड बड़े बॉक्स में गोल्ड ब्रेसलेट था। इयररिंग्स थे वो यू बेला के थे, तो ये वो इयररिंग्स थे जो मैंने परचेज करे थे। एंड ये वो इस बॉक्स में ब्रेसलेट था, ये भी सेम पैकेजिंग में ही था, बबल रैप करके सेम ब्रेसलेट था ताकि डिलीवरी में डैमेज ना हो प्रोडक्ट। तो देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल सेम उसमें है एंड मुझे क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी ब्रेसलेट्स की। शाइनिंग मटेरियल था ब्रेसलेट का एंड इसमें साइज़ मैटर नहीं करता, मतलब इसमें हुक सिस्टम है तो आप इस हुक को कहीं भी ब्रेसलेट में अटैच कर लोगे तो वो आपके साइज़ का हो जाएगा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। और ये वो ग्रीन ईयरिंग मुझे इतने पसंद नहीं आए बिकॉज ईयरिंग्स काफ़ी छोटे थे दिखने में और जो उन्होंने दिखाए तो उसमें इतने छोटे नहीं लग रहे थे और ना ही बिल्कुल वैसे लगे, तो ईयरिंग्स मुझे इतने पसंद नहीं आए। बट मुझे ब्रेसलेट काफ़ी पसंद आया इनका, गोल्ड ब्रेसलेट, एंड आपकी गोल्ड ड्रेस से बहुत अच्छे से मैच करेगा। मैंने अपने गोल्ड ड्रेस के लिए ही मंगवाया था ये, तो ये देखो ये मैंने पहना था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था हाथ में भी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।